एक समय की बात है, भारत में कबीर नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन वो अपने गांव की सड़कों पर पैदल चलता जा रहा था कि अचानक क्या एक पंख? भला ये कैसे हो सकता है? कुछ देर के बाद क्या हुआ कबीर? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आशा, ये शायद एक सारस का पंख है। हाँ? खांसते हुए ये मेरे मुंह से निकला। ओ, एक सारस का पंख आपके मुंह से? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये किसी को बताना मत, वरना लोग समझेंगे मैं पगला गया हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सब कुछ ठीक तो है ना आशा? सब तो नहीं, एक बात है जो मुझे किसी को नहीं बतानी है। वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। बताओ क्या बात है? कल खांसते हुए मेरे शौहर के मुंह से सारस के पंख निकले। क्या? अच्छा, अब ना मुझे बाजार जाना है, पर ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कहिए मैडम, आपको क्या क्या चाहिए? एक बात बताऊं तुम्हें, अभी मेरी आशा से बात हुई, खांसते हुए उसके पति के मुंह से एक सारस निकला। क्या जिंदा सारस? हाँ, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना। मैं तुमसे बाद में फल खरीदूंगी। क्या कबीर के मुंह से सारस का पूरा झुंड बाहर निकला? लोगों की भीड़ कबीर के पास गई और उसे जबरदस्ती थूक कर अपने मुंह से तरह तरह के पक्षी उगलने के लिए कहा। कबीर फौरन समझ गया कि यह अफवाह कुछ ज्यादा ही फैल गई है। उसे तुरंत एक तरकीब सूझी। हाँ हाँ, मैं तरह तरह के पक्षी उगल सकता हूँ, लेकिन पहले ये वादा कीजिए कि उन्हें उगलने के बाद आप में से हर कोई अपने पेट में एक जिंदा पक्षी जरूर रखेगा। असली पक्षी हमारे पेट में? नहीं, हमें माफ करो, तुम ही रखो। हम अपने पेट में एक जिंदा पक्षी कैसे रख सकते हैं? जरूर ये बात कोई अफवाह होगी। सही कहा। इस तरह कबीर ने बड़ी अक्लमंदी से मुसीबत को हल कर दिया। अच्छा बच्चों, ये बताओ हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? एक छोटी सी अफवाह भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए ना कभी अफवाहें फैलाओ और ना ही उस पर यकीन करो। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा के संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।